What's going on guys, मेरा नाम अनवित है और हम आज इस वीडियो पे बिल्डर्स हॉल 5 में एयर अटैक्स जो है उसके बारे में कुछ बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा अटैक कैसे यूज़ करके आप आसानी से 3000 के आसपास ट्रॉफी रेंज में ट्रॉफी पुश भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज अभी जो गेम में सिचुएशन है वो यही है कि काफ़ी लोग बिल्डर्स हॉल 6 में चले गए हैं और आपको अगर ट्रॉफी पुश करना है और बिल्डर्स हॉल को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करना है तो आपको काफ़ी हाई ट्रॉफीज़ में रहना पड़ता है और उसके लिए आपको बिल्डर्स हॉल 6 के अगेंस्ट पे खेलना पड़ेगा। तो गाइज आप कैसे बिल्डर्स हॉल 5 होके बिल्डर्स हॉल 6 के ऊपर 3 स्टार लाएंगे वही आज यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कुछ रिप्लेज और रिप्लेज में हम बताएंगे कि आपको क्या करना है ताकि आप आसानी से हायर ट्रॉफीज में बिल्डर्स हॉल 6 के अगेंस्ट अटैक्स कर सकते हो और 3 स्टार ला सकते हो। तो चलिए एक रिप्ले, पहला जो रिप्ले है वो देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो ये बेस तो बिल्डर्स हॉल 6 है और बंदा जो अटैक कर रहा है वो बिल्डर्स हॉल 5 है और हम लोगों को काफ़ी हद तक ये फेस करना पड़ता है जैसे कि आप ट्रॉफी पुश कर रहे हो क्योंकि गेम में इतने सारे बिल्डर्स हॉल 6 आ गए। मैं भी खुद मेरे मेन अकाउंट पे बिल्डर्स हॉल 6 ही हूँ। तो आप देख सकते हो यार कितना सुंदर तरीके से अच्छा सा एक डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है बेबी ड्रैगन्स के बीच में ताकि उसका जो टैंट्रम एबिलिटी है उसका पूरा इस्तेमाल हो और फ़ायदा मिले अटैकर को। तो पीछे से जो 4 बेबी ड्रैगन आए हैं उसका कारण यही है कि वहाँ पे मेजर एयर टारगेटिंग डिफेंस और स्प्लैश डैमेज जो एयर बॉम्ब डिफेंस है वो उसके आसपास है नहीं। तो बेबी ड्रैगन्स टैंट्रम्स बिना यूज़ किए भी बिल्डर्स हॉल को उड़ा दिया और नीचे से फिर से वो टैंट्रम का यूज़ आप देख सकते हो। यार गाइस आपको अगर ट्रॉफी पुश करना है बिल्डर्स हॉल 5 पे तो यार एयर अटैक इज़ योर ओनली वे क्योंकि यार ग्राउंड अटैक में तो बिल्डर्स हॉल 6 में 2 क्रशर्स आ जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैटल मशीन भी अंदर चला गया है, अभी भी एक बेबी ड्रैगन बाकी है तो वो तो ये आर्चर टावर को उड़ा देगा। गाइज मैं हर बार बोलता हूँ कि आप बेबी ड्रैगन्स और एयर अटैक्स उसी बेस पे कीजिए जिसमें आर्चर टावर्स लॉन्ग रेंज पे है और अगर लॉन्ग रेंज पे नहीं है और आर्चर टावर्स के बगल में एक और फायर क्रैकर है तो गाइज उसमें एयर अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनकमिंग डैमेज बहुत बढ़ जाता है। तो गाइज ये बेबी ड्रैगन तो अकेला ही एक टेस्ला को उड़ा देगा और चलिए हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि ये बेस तो 3 स्टार होने वाला है। तो गाइज अगर आपको बिल्डर्स हॉल 5 होके बिल्डर्स हॉल 6 के ऊपर 3 स्टार करने हैं तो आपको ये बेबी ड्रैगन यूज़ करना सीखना पड़ेगा। और गाइज हम एक और वेरिएशन दिखाएंगे जहाँ पे हम थोड़ा मिनियंस का भी इस्तेमाल करेंगे अगले वीडियो पे। तो चलिए एक और वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि बिल्डर्स हॉल 5 होके बिल्डर्स हॉल 6 को कैसे 3 स्टार किया जाता है। तो गाइज ये वाला भी एक बिल्डर्स हॉल 6 ही बेस है तो यहाँ पे भी मास बेबी ड्रैगन का यूज आप देख पाओगे। पर गाइज आप देखो यहाँ पे बेबी ड्रैगन कितने सुंदर तरीके से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और अपना टैंट्रम का पूरा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे और पूरा साइड से ये बेस को अटैकर ने बेबी ड्रैगन से घेर दिया है। और गाइज जैसे कि एक बेबी ड्रैगन मर रहा है उसके पीछे एक और बेबी ड्रैगन आ जा रहा है इसका आप देख सकते हो। यार बेबी ड्रैगन तब क्या होता है कि जो अटैकर है उसका अटैक काफ़ी स्मूथ जाता है और बहुत जल्दी डिफेंसेस उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो अभी की डिफेंसेस जो है जैसे कि आर्चर टावर और फायर क्रैकर, एक फायर क्रैकर अभी उड़ गया है तो बैटल मशीन अभी आएगा और ये जो बॉम्ब डिफेंस है ये तो गाइज एयर अटैक्स के सबसे बड़े दुश्मन है तो इसको ये बैटल मशीन से उड़ा देगा। तो गाइज 3 बेबी ड्रैगन काफ़ी है ये पूरा जो बेस है इसको उड़ाने के लिए और आप देख सकते हो डायरेक्ट टारगेट कर रहा है ये एक एक डिफेंस को ये बेबी ड्रैगन से उड़ा रहा है ताकि बाकी जो डिफेंसेस बाकी रह जाए बेस पे उसके ऊपर ये लास्ट जो दो बेबी ड्रैगन है इससे वो अटैक कंप्लीट कर सके। गाइज आर्चर टावर भी चला गया और अगर आपको पुश करना है ट्रॉफीज पे तो गाइज एक एक जो अटैक स्ट्रेटजी है वो ग्राउंड हो या फिर एयर अटैक हो उसको आप मैक्स कीजिए जैसे कि इसमें
इसने लेवल 10 बेबी ड्रैगन्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके ट्रूप्स मैक्स नहीं है तो आप बिल्डर्स हॉल 6 के ऊपर 3 स्टार कर नहीं पाओगे, और ट्रॉफी पुश के लिए आपको बिल्डर्स हॉल 6 के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि यार गेम में इतने सारे बिल्डर्स हॉल 6 आ गए हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कितना स्मूथली इसने 3 स्टार कर दिया बिल्डर्स हॉल 6 को रोस्टर के ऊपर। तो गाइज चलिए एक और अटैक देखेंगे, और उसके बाद शायद मैं आपको एक बिल्डर्स हॉल 5 का भी अटैक दिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज ये वाला बेस भी बिल्डर्स हॉल 6 के ऊपर बिल्डर्स हॉल 5 का ही अटैक होगा। तो यहाँ पे अटैकर ने कुछ ज़्यादा टाइम लिया है बेस को स्टडी करने के लिए, तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही अटैक स्टार्ट होगा हम लोग देखेंगे अटैक। तो गाइज आप देख सकते हो ये जो बेस है इसमें रोस्टर एकदम बीच पे रखा गया है, और आर्चर टावर्स थोड़ा बाहर है। तो ये बेबी ड्रैगन्स यूज़ करके एक एक करके आर्चर टावर्स और जो एयर टारगेटिंग डिफेंसेस है इसको ये उड़ाएंगे, और यहाँ पे एक होल था बेस पे तो उसका पूरा एडवांटेज ले रहा है अटैकर, और बैटल मशीन को बीच में ही छोड़ दिया है ताकि वो कुछ की डिफेंसेस जैसे कि ये फायर क्रैकर और ये सब अपने एबिलिटी यूज़ करके उड़ा सके। तो गाइस अभी भी 8 बेबी ड्रैगन्स बाकी है, और 2 आर्चर टावर्स भी डाउन हो गए और एक फायर क्रैकर। आप देख सकते हो यार एक एक करके जो एयर टारगेटिंग डिफेंसेस है उसको ये टारगेट करेंगे, जैसे कि ये वाला बेबी ड्रैगन जाएगा और ये फायर क्रैकर को उड़ाएगा। अभी तो सिर्फ एक ही आर्चर टावर बाकी है गाइस। तो ये अटैक काफ़ी स्मूथ गया, और अगर आप बेस देख के जो आपको एक मिनट मिलता है उसको आप अच्छे से स्टडी करो, और बेस का जो वीक पॉइंट्स है उसको अगर आप एक्सप्लॉयट कर सकते हो तो गाइज आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप प्लीज़ आपका टाइम यूज़ कीजिए और सोचिए कि आप कहाँ से कैसे कौन से एंगल से अटैक करेंगे, तो आपको देखे आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। और अगर आपको पुश करना है बिल्डर्स हॉल 5 के हिसाब से तो आपको ये एयर अटैक्स करने हैं, क्योंकि गाइज सभी लोग एयर अटैक्स कर रहे हैं। और अगर आपको और भी कुछ डिफरेंट ग्राउंड अटैक्स के बारे में देखना है तो आप मेरे चैनल पे एक और वीडियो है बिल्डर्स हॉल 5 वर्सेस बिल्डर्स हॉल 6 के, वो भी आप चेकआउट कर सकती हो। तो गाइज एक और अटैक देखेंगे, जो लास्ट अटैक होगा वो बिल्डर्स हॉल 5 के ऊपर बिल्डर्स हॉल 5 का ही अटैक होगा, और वो काफ़ी एक पॉपुलर बेस के ऊपर होगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो गाइज ये जो लास्ट रिप्ले है इसमें हम लोग ये बिल्डर्स हॉल 5 के ऊपर बिल्डर्स हॉल 5 का ही अटैक देखेंगे, और इसमें आप देखोगे कि कुछ मिनियंस का भी इस्तेमाल किया गया है। और गाइज ये बेस तो काफ़ी पॉपुलर है, आपको ये हर जगह देखने को मिल जाएगा। और अटैकर ने क्या किया, अटैकर ने ये जो बॉम्ब डिफेंस है आउटसाइड पे रखा गया है उसको ये पहले उड़ा देगा। तो गाइज काफ़ी बड़ा जो एक स्ट्रक्चर आपको प्रॉब्लम दे सकता है उसको ये अगर जल्दी उड़ा देता है तो काफ़ी हेल्प मिलेगा इसको अटैक के बीच में। तो गाइस बैटल मशीन आ गया है, बैटल मशीन अपना एबिलिटी यूज़ करके अटैक कर रहा है, और ऊपर से बेबी ड्रैगन्स का आप देख रहे हो यार क्या सुंदर सा एक स्प्रेड डाला गया है ताकि अच्छे से उसका टैंट्रम एबिलिटी यूज़ हो। और बैटल मशीन धीरे धीरे काम कर रहा है, पीछे से मिनियंस भी डाल दिए गए हैं ताकि बेबी ड्रैगन्स जो है वो इनकमिंग डैमेज सोक करे और मिनियंस पीछे से स्ट्रक्चर्स उड़ाना स्टार्ट करे। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे डिफेंसेस भी जा रहे हैं, और गाइस बेबी ड्रैगन्स का अगर आप टैंट्रम एबिलिटी यूज़ कर सकते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके अटैक पे। तो ये जो स्पेसिंग होता है बेबी ड्रैगन्स के बीच में ताकि उसका टैंट्रम एबिलिटी हर टाइम एक्टिवेट रहे, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा गाइस। और आप देख सकते हो ये बिल्डर्स हॉल के ऊपर आ गए हैं, 2 बेबी ड्रैगन्स अभी भी जिंदा है, तो ये काफ़ी अच्छा है गाइस। और ये 78% 2 स्टार हो गया है, तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे, क्योंकि यार ये तो 3 स्टार होने ही वाला है। और लास्ट कुछ डिफेंसेस उड़ गए और ये 3 स्टार हो गया गाइस। तो गाइस आप एयर अटैक्स अगर यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है, और आप पुश भी कर सकते हो 3000 के आसपास या फिर उससे भी ज़्यादा अगर अच्छे हो अटैक में, और आपको आप थोड़ा लकी भी हो कि अच्छे बेसिस भी मिल जाए आपको, तो आप
काफ़ी आसानी से एयर अटैक्स यूज़ करके बिल्डर्स ऑल 5 पे 3000 के ऊपर जा सकते हो। तो अगर आपको ये अटैक्स अच्छे लगे तो गाइस प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि मैं हर रोज़ क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में कुछ नया चीज़ यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अगर अप टू डेट रहना चाहते हो लीक्स अपडेट्स और बेस बिल्ड और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।